आपके पास ऑडियो डिवाइसेस हो उनको दूर कर दीजिए क्योंकि आपकी वॉइस बहुत इको हो रही है। हाँ मैंने म्यूट कर दिया दिव्या, म्यूट कर दिया। ओके मैम, अब तो नहीं आ रही है आवाज? नो नो मैम, अब ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नव शक्ति नव रस, यह परिकल्पना महिला सशक्तिकरण जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति उद्देश्य और योजना है, उसको हम आदिशक्ति का ध्यान कर संगीत की प्रस्तुतियों के माध्यम से पूरा करने की यहाँ पर हमने मुहिम चलाई है और कामना करते हैं ये जरूर सक्सेसफुल है, सफल है हमारे। इस कार्यक्रम की ऊर्जा शक्ति के स्रोत हमारे संरक्षक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी पटेल जी, कुलाधिपति BMIDU का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कुलपति BMIDU श्री रंजन कुमार जी, संभागीय आयुक्त प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश श्री मुकेश राम मेश्राम जी, निदेशक संस्कृति निदेशालय श्री शिशिर जी, सचिव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग श्री NG रवि कुमार जी, आप सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। नव शक्ति नवरस की अविरल धारा इन संगीतमय प्रस्तुतियों के माध्यम से यह नव शक्ति का संचार यहाँ हो रहा है। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि एवं आपके सहयोग जो आकार रूप यहाँ ले पाए हैं उसमें हमारे कुल सचिव BMIDU डॉक्टर लव कृष्ण द्विवेदी जी के कुशल निर्देशन में समस्त भातखंडे परिवार के सहयोग से यह सौरमंडल संगीत रूपी सजाया गया है। इसका हम आज जो स्वर वंदिता इस शीर्षक से हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं और सर्वप्रथम जैसा कि हमारे पारंपरिक विधियों में है दीप प्रज्वलन के लिए हम अग्रसित होते हैं, इसलिए समस्त हम शिक्षकों से अनुरोध करते हैं और कुल सचिव महोदय से अनुरोध करते हैं कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया पधारें। माँ स्कंद माता का आज दिवस है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रिता कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी। इस श्लोक से हम उनका आह्वान कर रहे हैं और दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम प्रज्वलित कर रहे हैं। आगे ये कार्यक्रम सभी संगीत रसिकों संगीत कलाकारों के लिए शुभ लाभी हो इसकी कामना करते हैं। कुल सचिव महोदय और सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सुर वंदिता कार्यक्रम में आज के हमारे अतिथि महोदय हैं श्री पृथ्वीराज चौहान जी। आप आकाशवाणी से सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक हैं, सजग साहित्यकार भी हैं और संगीत के क्षेत्र में सितार वादन से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में आप आकाशवाणी में सलाहकार के रूप में भी जुड़े हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि अपने शुभ वचनों और आशीर्वचन से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हो सके इसके लिए कृपया आप हमसे जुड़े। श्री पृथ्वीराज चौहान जी नमस्कार।
मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप पहुंच रही है? धीमे आवाज आ रही है, थोड़ा सा माइक को अपने पास लाइए। अच्छा, अब आवाज आई। हाँ, हेलो इंडियंस जी, आवाज पहुंची मेरी? क्लियर? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोल। आ रही। आज का दिन बहुत खास दिन है क्योंकि Mother told me, shut the fuck up, bitch. I'm a fag, nigga, fuck me in a Tesla. Nigga rubbing on my thighs with some ketchup. Nigga, yo, bro. What the fuck is going on here, bro? Shut the fuck up. Mother chod. Fuck you, India. अच्छा अच्छा, ऐड आ रहा है। तो हमारे मुख्य अतिथि जो है उनकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा Nah, shut up, faggot, shut up, you fucking cunt, bro, shut the fuck up, man. Hello. Sibiaji? Shut the fuck up, mother, your mom is gay. ये स्क्रीन के ऊपर कुछ और भी चीजें आ रही हैं। Fuck up, bastard, bastard. I will sacrifice my life for Pakistan. हेलो, हाँ अभिनव जी सीमा मैम या रुचि मैम, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लिंक किसी को भी शेयर मत करिए, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ गए। ये इसमें किस तरह की कुछ आवाजें आ रही हैं? हाँ हाँ सर, पता नहीं कैसे कैसे लोग ऐड हो गए। सीमा मैम, ठीक है ना? सर हेलो, हाँ सीमा जी, आवाज आ रही है? आप हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक नहीं खुला, माइक अब आ रही है मेरी आवाज? ये बीच में कुछ और क्या आवाजें आ रही हैं, कहां पर ये सर? ये शायद ऑनलाइन जुड़ जाते हैं, मैंने कहा है अभी इसको रिजेक्ट कर, बात कर रहे हैं सर। मेरी आवाज कुछ नहीं आ रही। अब इनका आपका माइक म्यूट है सीमा जी का? सर आपकी वॉइस क्लियर है? हाँ सीमा जी, हाँ आप बोलिए सर, बोलिए सर। मैं भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत सुंदर कार्यक्रम की कल्पना की है, और विशेष रूप से इस नवरात्रि के मौके पर, क्योंकि ये जो समय होता है, ये नवरात्रि का जो पर्व है, ये नारी शक्ति का ही प्रतीक है, और नारी शक्ति के प्रतीक इस पर्व में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने जो मिशन शक्ति कार्यक्रम का आह्वान किया है, उससे जुड़ते हुए नारी के सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी के सशक्तिकरण के लिए आप लोगों ने जो कदम उठाया है,
जो 9 दिन का ये कार्यक्रम रखा है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम के पीछे, इस कार्यक्रम के साथ कुलपति महोदय को मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा, आदरणीय रंजन कुमार जी को। साथ ही इस कार्यक्रम के साथ जो संस्कृति विभाग जुड़ा हुआ है, क्योंकि संस्कृति विभाग हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को सहजता और रखता है, जो कि हमारी पहचान है। मैं बहुत बहुत इस तरह के कार्यक्रम के लिए मुकेश मेश्राम जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जो प्रमुख सचिव हैं, सचिव रवि कुमार, उनको भी इतने अच्छे कार्यक्रम की परिकल्पना के लिए मेरी बहुत बधाई है। और साथ ही निदेशक शिशिर जी हैं, और उसके साथ मैं लवकुश जी हैं। जब से वो यहाँ से जुड़े हुए हैं, मैंने ये देखा कि कई चीजें बहुत अच्छी तरह से, बड़ा अच्छा रूप लेकर सामने। और साथ ही इस कार्यक्रम की जो समन्वयक हैं, कोऑर्डिनेटर सीमा भारद्वाज जी, और आज के जो नोडल अधिकारी हैं अभिनव सिन्हा जी, उनको भी मैं इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए बहुत 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 बधाई दूंगा कि आज का जो ये विशेष कार्यक्रम वो स्वरों के माध्यम से कर रहे हैं, और जिन लोगों को उन्होंने आज के इसमें आमंत्रित किया है, वो संगीत के कलाकार इस नवरात्रि में अपने सुरों से अपने स्वरों से माँ की आराधना करेंगे, माँ की पूजा करेंगे। और आज पांचवा दिन है, स्कंद माता का पांचवा दिन होता है, तो मैं उनको भी आज के दिन हृदय में धारण करता हूं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, और जो हमारे कलाकार हैं मुझे दिखाई दे रही हैं, सुषमा जी भी इसमें आज हैं, कानपुर से हैं, और बहुत बहुत ही उम्दा गाती हैं। और उसके साथ सितार पर और सिद्ध वीणा पर राजेश शाह जी हैं सितार पर, और सिद्ध वीणा पर सिद्धार्थ बनर्जी जी हैं, जो अपने सुरों के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में मिशन शक्ति को और सबल करेंगे। बस मैं छोटी सी एक बात कहूंगा कि ये जो कार्यक्रम नवरात्रि में है, आप देखिए कि ये जो नवरात्रि है ये किस तरह से इससे स्वर से जुड़ी हुई है। अगर आप देखें तो कहा जाता है, क्योंकि सुरों के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि नादाधीनम जगत, यानी ये जगत जो है वो नाद के अधीन है। और नाद क्या है? नाद है सारे मूल, सात नाद है मूल जो स्वर कहलाते हैं, सारे गा मा पा धा नी। ये सात नाद ऐसे हैं जिनके अंतर्गत ये पूरा जगत है, नादाधीनम जगत। अब आप देखिए कि इसमें आज हम जिस मातृ शक्ति की पूजा कर रहे हैं, हम इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, हम इस नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं, तो संगीत में माँ का क्या महत्व है? सा रे गा मा पा धा नी, यानी माँ जो है वो बिल्कुल बीच में है, तीन स्वर इधर है, तीन स्वर उधर है, और नाथ जो जगत है वो नाथ के अधीन है, और बीच में माँ है। यानी इस सृष्टि को नाद के जरिए, इस सृष्टि को बैलेंस कर रही है वो माँ है, और उसी माँ की, उन्हीं आदि शक्ति की आज हम आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सशक्तिकरण की दिशा में हमारा कदम बढ़ रहा है। इस सारे गामा पाधानी जो नादाधीनम जगत है, इसके माध्यम से तो आप देखें कि जो माँ है ये पूरे दुनिया को बैलेंस कर रहा है। आप बिल्कुल बीच में, सारे गा माँ बीच में है, पाधानी, तो ये जो माँ है आप उसे देखिए, माँ स्वर सिर्फ स्वर नहीं है, माँ आदि शक्ति है, इस जो जगत की, जगत को बैलेंस करने वाली है। तो इस तरह से हम संगीत से भी जुड़ते हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं जो कलाकार अभी जिनका मैंने नाम लिया है, जो बनारस से हैं, वो अपने स्वरों से माँ को हृदय में धारण करेंगे। सुषमा जी बैठी हैं, वो अपने स्वरों से माँ को हृदय में धारण करेंगी। और एक अद्भुत इस कार्यक्रम के लिए मैं
विश्वविद्यालय परिवार को, सीमा जी बैठी हैं, अभिनव जी बैठे हैं, इन सबको एक बार पुनः बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ 17 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है, और भी जो नोडल ऑफिसर इसमें जुड़े हैं हुए हैं, जिन्होंने पिछले दिनों कई कार्यक्रम किए हैं, आगे आने वाले दिनों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये जो पर्व चल रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई। और मैं अब अनुरोध करूंगा सीमा जी से कि वो आगे इस कार्यक्रम को संचालित करें। आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री पृथ्वीराज चौहान जी ने जो अपना संभाषण दिया, उससे हमारे अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ है, एक नया प्रोत्साहन हमारे अंदर जुड़ा है, और हम बहुत आपके आभारी हैं कि आपने अपने सुवचनों से हमारे अंदर फिर से नई ऊर्जा भर दी। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज जी आपको। कार्यक्रम सुर वंदिता, इसके अंतर्गत आज सबसे पहले जुगलबंदी होगी, और तत्पश्चात कानपुर से पधारी हमारे कलाकार ऑनलाइन जुड़ रही हैं डॉक्टर सुषमा वाजपेयी जी। सर्वप्रथम जुगलबंदी में सितार सिद्ध वीणा और तबले में रहेंगे संदीप केवले जी। मैं थोड़ा थोड़ा उनका परिचय दूंगी यहाँ पर। जुगलबंदी रहेगी सितार और सिद्ध वीणा की। सितार पर रहेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मंच एवं प्रदर्शन कला संकाय के डीन प्रोफेसर राजेश शाह। आपने सितार की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता श्री नरोत्तम दास से प्रारंभ की, तत्पश्चात श्री गोविंद राव जी से प्राप्त करने के पश्चात पंडित रामदास चक्रवर्ती से प्राप्त की। आप देश के विभिन्न समारोहों एवं संगीत सम्मेलनों में अपने सितार वादन की सफल प्रस्तुति दे चुके हैं। इसके साथ ही आप विभिन्न देशों में जैसे उज्बेकिस्तान, मॉरिशस, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके कई लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। सिद्ध वीणा में यहाँ होंगे सिद्धार्थ बनर्जी। श्री सिद्धार्थ बनर्जी कोलकाता के संगीत परिवार के चौथी पीढ़ी के कलाकार हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता जी से श्रीमती जया बनर्जी से प्राप्त करी, और आपने स्लाइड गिटार में नवीन प्रयोग के साथ 21 तारों का संयोजन किया है तथा वाद्य के नए रूप को नया नाम दिया सिद्ध वीणा। आप कार्यक्रम मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर आदि जगहों में दे चुके हैं, और सिद्ध वीणा की सफल प्रस्तुति आप सबके द्वारा आपकी प्रशंसीय है, सबने आपकी बुरी बुरी प्रशंसा की हुई है। विभिन्न संस्थाओं में आप सम्मान से यहाँ पे विभूषित हैं सिद्धार्थ बनर्जी जी, और तबले पे आपके साथ रहेंगे संदीप केवले जी। वाराणसी के ही संदीप केवले जी आप भी देश के विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इस प्रकार सुरवंता की शक्ति रस गंगा में आनंद लेते हुए अब हम आनंद लेते हैं जुगलबंदी का। जुगलबंदी में जो वाद्य है सितार और सिद्ध वीणा, और साथ में तबले पर संदीप केवले जी। आज आप राग वाचस्पति यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिए आज की सुरवंदिता की प्रथम प्रस्तुति जुगलबंदी। अच्छी राजेश जी अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए, आपकी प्रस्तुति प्रारंभ हो गई है। माइक को अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट करिए। राजेश जी आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करिए।
राजेश जी शायद समझ नहीं पा रहे हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं. हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक ठीक है. अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो माइक अपना अनम्यूट कर दीजिए. ठीक है ओके शुरू करें प्लीज. शुरू करने से पहले निवेदन है कि थोड़ा तेज बोलिए. माइक को थोड़ा और पास रखिए. मैंने करीब 100-150 लोगों को बोला है सुनने के लिए, वो लोग एंट्री नहीं ले पा रहे. वो मुझको फोन कर रहे हैं कि आपने लॉक करवा दिया है. हाँ आप बोलिए सर बोलिए. मैं बोलिए जूम लॉक हो गया रूम क्योंकि लोग एंट्री नहीं ले पा रहे हैं जूम पर. जो सुनने वाले हैं मुझको कह रहे हैं कि रूम लॉक हो गया है इसलिए हम लोग एंट्री नहीं ले पा रहे हैं. आप खोल देंगे तभी एंट्री ले पाएंगे. अच्छा तो दिव्या आप देखिए आर्टिस्ट हमारे क्या कह रहे हैं. आप इनको इनकी बात समझिए. दिव्या क्योंकि दिव्या आप है ना फेसबुक पर लाइव है. हाँ जी सर फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव है. तो उसकी लिंक तो किसी के पास है नहीं तो जो देखने वाले लोग हैं उससे कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ देखें कहाँ सुने. सर मैंने लवकुश सर को लिंक दे दी थी. सर वो लिंक तो सबको भेज दी है. आपको भी भेजी है. राजेश सर एक बार मैं चैट बॉक्स में फिर से लिंक दे दे रही हूँ. हाँ आप दे दीजिए दिव्या. मगर आपको राजेश जी आपके चैट बॉक्स अपना व्हाट्सएप देखिए उसमें आपका लिंक है. अभी इस समय मैडम मैं क्योंकि मेरे उसी से मैं ऑनलाइन हूँ. अच्छा अच्छा कोई बात नहीं. तो दिव्या आप देखिए नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. अच्छा कोई बात नहीं हम लोग शुरू कर सकते हैं. वैसे ये लाइव है फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव चल रहा है सर इंस्टा पे. मैं थोड़ी देर के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ. लगभग हम लोग नहीं नहीं सर कोई बात नहीं आप शुरू करिए. 26 मिनट लेट हो चुके हैं ऑलरेडी. और मैं सबसे पहले आयोजन समिति को प्रोफेसर सीमा भारद्वाज जी डॉक्टर अभिनव सिन्हा जी लवकुश त्रिवेदी जी जितने भी आयोजन समिति से लोग जुड़े हुए हैं मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ. आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस नवरस नवशक्ति और सुरवंदिता कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग को ये अवसर प्रदान किया है कि वाराणसी से हम जुड़ सकें और अपना कुछ वंदन देवी के पूजन के लिए मैं हम लोग कर सके हैं संगीत के माध्यम से. मेरे साथ वाराणसी के युवा कलाकार श्री सिद्धार्थ बनर्जी जो सिद्ध वीणा बजाएंगे मेरे साथ वो भी उपस्थित हैं आपके समक्ष. और तबले पर जो हम लोग की संगति प्रदान करेंगे डॉक्टर संदीप केवले जी अभी वाराणसी के युवा कलाकार हैं और कई मंचों पर अपनी सफल प्रस्तुति दे चुके हैं. हम लोग पहली बार आप लोगों के आग्रह पर जोरबंदी का प्रोग्राम यहाँ कार्यक्रम देने के लिए उपस्थित हैं. हम लोगों ने पहले कभी एक साथ नहीं बजाया पर आप लोगों की तरफ से आग्रह था कि जोरबंदी बजाएं तो मैंने हम लोगों ने कोशिश की है. इसके लिए जो भी त्रुटि होगी हम लोग उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हैं. अपने कार्यक्रम का प्रारंभ हम
जिसमें अलार्म विलंबित और द्रुत गतें पेश की जाएंगी। आप राग वाचस्पति का आनंद लें। वाचस्पति का अर्थ सभी मालूम है, विद्वान परम विद्वान को कहते हैं वाचस्पति। और हमें लगता है कि हम सरस्वती के आराधक हैं, तो परम विद्वान अगर हम वाग देवी को कहें और वाचस्पति उनके समक्ष हम प्रस्तुत करें या उनके स्मरणार्थ उनके पूजनों के लिए इस नौ दुर्गा में, तो ये बहुत अच्छा अवसर होगा। राग वाचस्पति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। धन्यवाद। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
अभी अलाउ
बहुत बहुत ही सुंदर राजेश, बहुत सुंदर सिद्धार्थ जी, संदीप जी, बहुत ही इतनी सुंदर परिकल्पना, इतना सुंदर साज आपके पीछे, इतना अच्छा आपका बैकड्रॉप है, बहुत सुंदर लग रहा है आपका कार्यक्रम। अच्छा पुट लिए हुए सभी अंगों को दिखाते हुए आपने कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। हम सब बहुत भावभोर हैं इससे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली प्रस्तुति डॉक्टर सुषमा वाजपेयी, आप कानपुर से हमसे जुड़ेंगी। यहाँ पर गायन के क्षेत्र में डॉक्टर सुषमा वाजपेयी जी का एक प्रतिष्ठित स्थान है। विगत लगभग 3 दशकों से आप विभिन्न मंचों पर कार्यक्रम देती आ रही हैं। आप आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की ए श्रेणी की कलाकार हैं। आपका फिल्मी संगीत पे भी योगदान रहा है। फिल्म टशन आपके द्वारा गाई गई कजरी अत्यंत लोकप्रिय है। आपको सुर सिंगार संसद मुंबई द्वारा सुरमणि की उपाधि से नवाजा गया है तथा महर्षि गंधर्व वेद विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा महर्षि की उपाधि से भी आप अलंकृत हैं। आगरा विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि आपने अर्जित की है। आपके द्वारा दुबई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी इत्यादि अनेक जगहों पर आपने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आज आपके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं पंडित लालजी श्रीवास्तव जी के शिष्य डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी, और हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं श्री ऋषिराज शर्मा जी। तो आपके सामने अभी हमसे जुड़ेंगी डॉक्टर सुषमा वाजपेयी, कानपुर से आप जुड़ेंगी, और आपके सामने आज ये राग मधुवंती प्रस्तुत करेंगी। तो मैं आपको आपका स्वागत करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुषमा वाजपेयी जी, आपको मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन।
सभी कलाकारों को जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, अरविंद श्रीवास्तव जी और ऋषिराज शर्मा जी, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। प्रस्तुत है राग मधुवंती। हाँ बोलिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हारमोनियम वादक कुछ कारणवश आवश्यक नहीं आ पाए, वो तो उनके स्थान पर ये दूसरे आपके यहाँ के स्थानीय अच्छे कलाकार हैं, संजय मिश्रा जी, ये संगत करते। ठीक ठीक है, हारमोनियम पे आपके साथ संगत दे रहे हैं संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा मैं आज माता का पांचवा दिन है नवरात्रि का, तो मेरी गुरु वीणा सहस्त्रबुद्ध जी की रचित बंदिशें मैं दो प्रस्तुत कर रही हूँ। लंबे से एक ताल में है हे मात अंबिके। दुर्गा जी का एक नाम अंबिका भी है पौराणिक स्थानों में, शास्त्रों में, तो वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ लंबे से एक ताल। उसके बाद द्रुत ख्याल सितारे चल सर आज का कार्यक्रम
Thank you.
Jai 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 Jai
जो हमारे गुरु पंडित काशीनाथ गोलस जी के बचे गाना चाहूंगी आपने घर ही में है हमारे गुरु काशीनाथ जी की रचना है
हेलो 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 हाँ हेलो सुषमा जी, आपको हम देख नहीं पा रहे हैं, आप आज की जो अंतिम प्रस्तुति गायन की चल रही है, सुषमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही आकर्षक, आप तीनों को बहुत धन्यवाद। और ये इस कार्यक्रम की आज आखिरी प्रस्तुति थी, आपने वीणा सरस्वती जी का भी आपने यहाँ पे गाया, कृष्णा जी की आपने रचनाएं गाई, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। और ये हमारी इस आसुर वंदिता शीर्षक से संबंधित जो कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया ऑनलाइन, उसके लिए सभी जो कलाकार यहाँ जुड़े उन सबके धन्यवाद देती हूँ मैं। और यही पे कार्यक्रम समाप्त होता है, कल भी ये 3 बजे कार्यक्रम यहाँ पे चलता रहेगा, आप सब उससे जुड़िएगा, ये हमारा अनुरोध है। और अब मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा विभागाध्यक्ष, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कृपया आप ऑनलाइन अपने को जोड़ लें। नमस्कार, आज के इस सांस्कृतिक संध्या में आप सभी का स्वागत है। अब ये समाप्ति की ओर है। मैं प्रोफेसर राजेश शाह, वाराणसी, श्री सिद्धार्थ बनर्जी वाराणसी, डॉक्टर संदीप केवले वाराणसी, सुषमा वाजपेयी जी कानपुर, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं कानपुर, श्री संजय मिश्रा कानपुर, इसके साथ साथ श्री पृथ्वीराज चौहान जी भूतपूर्व आकाशवाणी डायरेक्टर, वर्तमान में इस समय सलाहकार हैं, और हमारे यहाँ से डॉक्टर सीमा भारद्वाज जी कार्यक्रम संयोजक और सहसंयोजक उसी खरे जी को मैं साधुवाद एवं धन्यवाद दोनों दे रहा हूँ। और इस कार्यक्रम की परिकल्पना करने वाले हमारे कुल सचिव डॉक्टर लोकेश द्विवेदी जी को विशेष रूप से धन्यवाद। कल पुनः हम 3 बजे आप लोग से मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।
और ये कार्यक्रम सुरवंदिता यहीं पे समाप्त होता है, मगर यह शक्ति संचार अभी भी जारी है और कल 3 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए प्रस्तुति के साथ, एक नए आयाम के साथ, एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार।